वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंसोलिडेशन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बेसिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 टू 20 को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट बेसिस मे अ सब्सिडरी बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन। नंबर वन, द एक्टिविटीज ऑफ सब्सिडरी आर डिसिमिलर टू द एक्टिविटीज ऑफ द रेस्ट ऑफ ग्रुप, ये अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है। सब्सिडरी वॉज एक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग इट आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्टिल जो है वो कंसोलिडेशन से एक्सक्लूड नहीं होगी, बट ऑब्वियसली पॉसिबल है कि उस पर साथ के साथ उसके डिस्क्लोजर्स के लिए IFRS 5 अप्लाई हो रहा हो। द सब्सिडरी इज बेस्ड इन अ कंट्री विद स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर इट टू ट्रांसफर फंड्स टू द पेरेंट। तो जो फंड के ट्रांसफर हैं इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन हैं इनका तो डिस्क्लोजर दे दिया जाएगा, बट स्टिल अगर आपका कंट्रोल है उस सब्सिडरी के ऑपरेशंस पर और उसकी पॉलिसीज पर तो फिर आप उसको कंट्रोल है तो आप कंसोलिडेट करेंगे। डी पॉइंट है, यानी ये भी रीजन नहीं है। डी पॉइंट है, द अबव थ्री स्टेटमेंट आर नॉट वैलिड रीजंस फॉर एक्सक्लूडिंग अ सब्सिडरी फ्रॉम कंसोलिडेशन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन नेगेटिव गुडविल राइजेज IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन रिक्वायर्स दैट द अमाउंट्स इन्वॉल्वड इन कंप्यूटिंग गुडविल शुड फर्स्ट बी रीअसेस्ड। हाँ, दोबारा रिव्यू करना चाहिए एसेट लाइबिलिटीज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और जो कंसिडरेशन ट्रांसफर हुई है उनकी वैल्यू को। व्हेन द अमाउंट ऑफ द नेगेटिव गुडविल हैज बीन कन्फर्म्ड हाउ शुड इट बी अकाउंटेड फॉर। तो इसको एक गेन के तौर पर ट्रीट किया जाता है और प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि चार्जेस एंड एक्सपेंसेस में एक्सपेंस वाली बात गलत है, प्रॉफिट और लॉस तो ठीक है। कैपिटलाइज एंड प्रेजेंटेड अंडर नॉन करंट एसेट वो नेगेटिव फिगर है, वो एसेट्स में प्रेजेंट नहीं हो सकेगी। सी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस, ये करेक्ट है। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हेन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्सिडरी कैन नॉट बी कंसोलिडेटेड अनलेस इट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द सेम रिपोर्टिंग डेट एज द पेरेंट। ये रिक्वायरमेंट तो है लेकिन इसकी इम्प्रैक्टिकेबल हो तो एक्सेप्शन अवेलेबल है, तो इस वजह से इसको हम करेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। सब्सिडरी विद अ डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट में प्रिपेयर एडिशनल स्टेटमेंट्स अप टू द ग्रुप रिपोर्टिंग डेट फॉर कंसोलिडेशन पर्पजेज, ये बिल्कुल जो है पॉसिबल है कि जी अगर डेट डिफरेंट है तो सब्सिडरी जो है एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ले और वो एक्सेप्टेबल होंगी। सब्सिडरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेशन इफ द गैप बिटवीन द पेरेंट एंड सब्सिडरी रिपोर्टिंग डेट इज 5 months और लेस। मैक्सिमम जो अलाउड है वो 3 months का टाइम अलाउड है, तो ये इनकरेक्ट। वेयर सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप टू डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट फ्रॉम दोज ऑफ पेरेंट, एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और इवेंट अकरिंग बिटवीन द टू रिपोर्टिंग डेट्स, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। जब अप टू 3 months तक का डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया जाता है तो उसमें फिर जो दरमियान में सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हुई होती हैं उस पीरियड में पेरेंट और सब्सिडरी की, उनको एडजस्ट कर लिया जाता है। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो हैं ये करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल एंड आइडेंटिफाइज 3 separate एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, जिसमें पावर है ओवर द इन्वेस्टी होनी चाहिए, एबिलिटी टू यूज पावर और फिर एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, पावर ओवर इन्वेस्टी ये तो है, पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द इन्वेस्टी ये कंट्रोल के एलिमेंट में नहीं है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन है बेसिकली। तो यही हमारा आंसर होगा, बट देखते हैं। सी है एक्सपोजर टू राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स, ये भी एलिमेंट है, और एबिलिटी टू यूज पावर ये भी एलिमेंट है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, केमिस्ट लिमिटेड ओन्स 100% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ फॉलोइंग कंपनीज, द डायरेक्टर्स आर अनश्योर ऑफ वेदर द इन्वेस्टमेंट शुड बी कंसोलिडेटेड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड द इन्वेस्टमेंट नॉट बी कंसोलिडेटेड। नंबर वन है जी, सीएल हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स इन्वेस्टमेंट इन अल्फा लिमिटेड एज इट इज लॉस मेकिंग, द डायरेक्टर्स बिलीव इट्स एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन वुड असिस्ट यूजर्स इन प्रिडिक्टिंग द ग्रुप्स फ्यूचर प्रॉफिट। लॉस मेकिंग सब्सिडरी को निकालना तो मैनिपुलेटिव है, बल्कि के आपको ट्रू पिक्चर दिखानी चाहिए, जो बुरा है वो भी नजर आना चाहिए, जो अच्छा है वो भी नजर आना चाहिए।
तो ये तो लॉजिकल रीज़न नहीं है, इसको कंसोलिडेट करेंगे। फिर है बीटा लिमिटेड इज अ बैंक एंड इट्स एक्टिविटीज इज सो डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग एक्टिविटीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप दैट इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंसोलिडेट इट। लेकिन डिफरेंट एक्टिविटीज़ हों तो वो IFRS 8 है ऑपरेटिंग सेगमेंट, उसके अंदर उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऐड करना है, कैश में कैश ऐड करना है, रेवेन्यू में रेवेन्यू ऐड करना है, तो कंसोलिडेशन इज़ पॉसिबल। और ओवरऑल ग्रुप का पैसा कैसे यूज़ हो रहा है स्टिल मीनिंगफुल है, तो ये लॉजिक प्रॉपर नहीं है और कंसोलिडेशन की जाएगी। थर्ड है कि डेल्टा लिमिटेड इज लोकेटेड इन अ कंट्री वेयर लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंपलसरी एंड दीज आर नॉट कंपेटिबल विद IFRS यूज बाय द रेस्ट ऑफ ग्रुप। तो इसका तो एक बड़ा सिंपल हल होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IFRS के मुताबिक एडजस्टमेंट्स कर दी जाएँ, या एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिशनल बना ली जाए IFRS के मुताबिक और कंसोलिडेट कर लिया जाए। और क्योंकि पेरेंट एंटिटी का सब्सिडरी पे कंट्रोल होता है तो उनसे ये काम करवाना भी कोई मुश्किल नहीं है, तो इट विल स्टिल बी कंसोलिडेटेड। फिर एक गैमा लिमिटेड इज लोकेटेड इन अ कंट्री वेयर अ मिलिट्री कोप हैज टेकन प्लेस एंड CL हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर। जब कंट्रोल नहीं है तो फिर कंसोलिडेशन नहीं होगी, तो इन एब्सेंस ऑफ कंट्रोल कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, तो नॉट टू बी कंसोलिडेटेड ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 है कि अहमद हसन लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ द 100 मिलियन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ असर लिमिटेड इट्स ओनली सब्सिडरी फॉर ₹200 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2019 व्हेन द रिटेन अर्निंग्स ऑफ असर लिमिटेड वर ₹156 मिलियन। एट 31 दिसंबर 2019 रिटेन अर्निंग्स आर एज फॉलोज, जिसमें दोनों एंटिटीज की रिटेन अर्निंग दी हुई है। और अहमद हसन लिमिटेड कंसिडर दैट गुडविल ऑन एक्विजिशन इज इम्पेयर्ड बाई 50%। NCI फेयर वैल्यू पे मैयर होता है जो कि 82.8 मिलियन है, तो ग्रुप रिटेन अर्निंग्स क्या होंगी ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो हम जो टिपिकल वर्किंग्स बनाते हैं उसमें इसका मतलब है हमें वर्किंग 5 बनाने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का जिक्र भी है तो वर्किंग 3 भी बनानी पड़ेगी। तो वर्किंग 3 अगर डेवलप करते हैं तो डाटा मैच कर लेते हैं, 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ NCI, सब्सिडरी के जो नेट एसेट्स हैं 256, इस बेसिस पर आपके पास गुडविल आ जाएगी 26.8 की, 50% इम्पेयरमेंट 13.4 बनती है। तो क्योंकि NCI को फेयर वैल्यू पे मैयर कर रहे हैं तो फुल गुडविल है, तो पेरेंट को इसका शेयर चार्ज किया जाएगा, तो पेरेंट की जो अर्निंग्स हैं और उसके बाद इम्पेयरमेंट का शेयर, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए जो अब की रिटेन अर्निंग है इसमें से एट एक्विजिशन वाली लेस करके हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन आ जाएंगी, उनका 70% इंक्लूड किया, तो 280.32 वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2010 गोल्डन लिमिटेड एक्वायर्ड 75% ऑफ सिल्वर लिमिटेड इक्विटी शेयर बाय मीन्स ऑफ अ शेयर एक्सचेंज एंड एडिशनल अमाउंट पेबल ऑन 1 अप्रैल 2011 दैट वॉज कंटिजेंट अपॉन द पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ सिल्वर लिमिटेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। गोल्डन लिमिटेड असेस द फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन जो कि 4.2 मिलियन थी, बट बाय 31 मार्च 2011 इट वॉज क्लियर दैट द अमाउंट टू बी पेड वुड बी ओनली 2.7 मिलियन। हाउ शुड गोल्डन लिमिटेड अकाउंट फॉर दिस, जो 4.2 से 2.7 लाइबिलिटी कम हो गई है तो 1.5 मिलियन का जो एडजस्टमेंट है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डील करें। तो बेसिकली आपकी जो कंटिजेंट कंसिडरेशन है ये आपकी लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी जो है रिड्यूस हो रही है तो इसको डेबिट करेंगे, और रिडक्शन इन लाइबिलिटी का मतलब है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है या आप कह लें कि एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो उससे आपका जो ग्रुप का रिटेन अर्निंग है इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ग्रुप का प्रॉफिट वो इंक्रीज हो रहा होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी जिसमें करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो डेबिट हो रही हों और इनकम क्रेडिट हो रही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 देखते हैं। ऑन 31 जुलाई 2018 परवीन लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑफ द 18 मिलियन रुपीज 10 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ सिद्रा लिमिटेड
Quora sum of rupees 432 million. Sidra Limited had accumulated profits at 1st January 2018 of rupees 360 million and during the year to 31st December 2018 made a profit of rupees 108 million. Fair value of NCI 200 million दी हुई है. Goodwill जो statement of financial position में show होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए. अब goodwill के लिए हमें net asset of subsidiary at acquisition भी calculate करने पड़ेंगे. So, शेयर कैपिटल दिया हुआ है पहले तो जी. इसके बाद रिटेन अर्निंग हमें बताई हुई है 1st जनवरी को 360 मिलियन की थी और प्रॉफिट हुआ है 108 मिलियन का. हमारा ईयर एंड दिसंबर है, एक्वायर 31st जुलाई को किया था तो 7 मंथ का प्रॉफिट जो है वो भी प्री एक्विजिशन टाइम में है. तो 360 प्लस 7 मंथ प्रॉफिट 423 और बाकी जो 5 मंथ का प्रॉफिट है वो 45 बनता है, वो पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा. तो इससे हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन कैलकुलेट हो जाएंगे और फिर हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं. 432 की इन्वेस्टमेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 200 है, और नेट एसेट एट एक्विजिशन हमने वर्किंग टू में कैलकुलेट किए हैं तो हमारे पास 29 मिलियन की गुडविल आ जाती है. दैट वुड बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर चलते हैं. तनवीर लिमिटेड एक्वायर्ड ताबीर ट्रेडर्स एन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी फॉर रुपीज 2.8 मिलियन. अब अनइनकॉर्पोरेटेड है तो बेसिकली कंसोलिडेशन नहीं हो रही होगी, बट स्टिल दिस इज अ बिजनेस कम्बिनेशन और उस IFRS 3 के जो रूल्स हैं वो इस पर अप्लाई होंगे. अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज परफॉर्म्ड ऑन ताबीर ट्रेडर्स नेट एसेट एट द डेट ऑफ परचेज शोड के आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल लेस पेबल 4000 के नेट एसेट्स हैं और जो आपने एक्वायर किया था 4 मिलियन, बेसिकली 2.8 मिलियन में एक्वायर किया. सो इसको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, अब गुडविल का पर्सपेक्टिव देखेंगे. तो इन्वेस्टमेंट हमारी 2.8 मिलियन की है, बिजनेस जो एक्वायर किया उसके नेट एसेट 4 मिलियन के हैं तो 1.2 मिलियन की नेगेटिव गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज है. तो एसेट तो इन्हीं वैल्यू पे रिकॉर्ड होने चाहिए और साथ ही जो है 1.2 मिलियन का प्रॉफिट और लॉस के अंदर जाएगा इम्पैक्ट. सो ऑप्शन ए है, रिकॉर्ड द नेट एसेट एट देयर अबव वैल्यूज एंड क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस विद रुपीज 1.2 मिलियन. दिस इज करेक्ट. बाकी में क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि रिकॉर्ड द नेट एसेट एट देयर अबव वैल्यू एंड क्रेडिट गुडविल. नेगेटिव एसेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये इनकरेक्ट है. इग्नोर द इनटेंजिबल एसेट, नहीं किसी भी एसेट को इग्नोर नहीं करेंगे. रिकॉर्ड द परचेज एज अ फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट, आपने जो है एक्वायर कर लिया है तो बिजनेस कम्बिनेशन है और इसमें फिर फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा, बिजनेस कम्बिनेशन के तौर पर इसकी अकाउंटिंग. क्वेश्चन 10 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल एज पर IFRS 10. तो हैविंग पावर ओवर द इन्वेस्टी ये तो है, हैविंग एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट विद द इन्वेस्टी ये भी एलिमेंट ऑफ कंट्रोल है, हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ शेयर इन द इन्वेस्टी ये नहीं है, हैविंग द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर रिटर्न ये भी एलिमेंट ऑफ कंट्रोल है. तो जो नहीं इंक्लूडेड दैट इज ऑप्शन सी. और बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ शेयर से कंट्रोल अचीव तो हो जाता है लेकिन ये डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल में शामिल नहीं है. तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 11 देखते हैं. सनशाइन लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ सनफ्लावर लिमिटेड ऑन 1st जनवरी 2011. पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन वाज रुपीज 200 मिलियन कैश टू बी पेड ऑन 1st जनवरी 2014, यानी 3 साल के बाद. द एप्लीकेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. वट विल बी डेफर्ड कंसिडरेशन लाइबिलिटी बी एट 31st दिसंबर 2012. वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक लॉन्ग वे है लेकिन शायद समझने में आसान हो. तो प्रेजेंट वैल्यू जो है 1st जनवरी 2011 को 3 साल की बेस पर आप प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, 10% का रेट गिवन है 150.26. 2011 में 10% इंटरेस्ट ऐड कर दें वैल्यू आ जाएगी, फिर 2012 का भी इंटरेस्ट ऐड कर दें तो 31st दिसंबर 2012 में आपके पास वैल्यू आ जाती है 181.82 मिलियन. तो हमें आंसर तो पता चल जाता है कि ऑप्शन डी है. इसका एक शॉर्टकट वे भी है कि क्योंकि सिंपली इंटरेस्ट बेस्ड कैलकुलेशन है तो आप अगर 3 में से 2 साल तो गुजर चुके हैं तो सिर्फ 1 साल की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू ले लें एज कम्पेयर टू 3 ईयर्स, तो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उससे भी आपके पास आंसर आ जाता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट.
क्वेश्चन 12 देखते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर अनलाइकली टू रिप्रेजेंट कंट्रोल ओवर एन इन्वेस्टी, ओनिंग 55% एंड बीइंग एबल टू इलेक्ट फोर ऑफ द सेवन डायरेक्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी आपकी मर्जी के हैं और आप 55% शेयर्स भी ओन करते हैं, तो यहाँ तो कंट्रोल नजर आ रहा है। ओनिंग 51% बट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द डिसीजन नीड द यूनैनिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर, यानी जो एंटिटी का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें सब सबके सब एग्री होंगे तो बिजनेस हो डिसीजन होंगे वरना नहीं होंगे, तो एक्चुअली यू डोंट हैव अ कंट्रोल, और ये हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, दूसरी बात जो है वो है कि सी पॉइंट के हैविंग करंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शन विच वुड टेक द शेयर होल्डिंग इन द इन्वेस्टी टू 55%, इसमें भी कंट्रोल आ जाएगा। पोटेंशियल राइट्स आपके इस तरह के हैं कि आपका उस पर कंट्रोल है। उसके बाद है ओनिंग 35% ऑफ ओनली शेयर एंड 80% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनमें वोटिंग राइट्स नहीं होते और इस वजह से वो कंट्रोल के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, उन्हें हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो बी एंड डी हमारे करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन विच मस्ट बी मेट फॉर द पेरेंट टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चार कंडीशंस होती हैं कि जो अदर ऑनर्स हैं वो उनको एतराज नहीं है और लिस्टेड नहीं है, आप लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं है, और कोई और जो पेरेंट है इंटरमीडिएट या अल्टीमेट पेरेंट वो IFRS के मुताबिक कंसोलिडेशन कर रही है। तो पहला पॉइंट, एक्टिविटीज ऑफ द सब्सिडरी आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप एंड टू कंसोलिडेट देम विल प्रेजुडिस द ओवरऑल ग्रुप पोजीशन, ये एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड है कि ये लॉजिकल रीजन नहीं है और इस बेस पर आप कंसोलिडेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। बाकी जो पॉइंट्स हैं कि अल्टीमेट पेरेंट कंसोलिडेशन करती हो, डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड ना होते हों, होली ओन सब्सिडरी होती है, उन चार में से तीन पॉइंट्स हैं जो चार कंडीशन मीट होनी चाहिए और exemption from preparing consolidated financial statement. So, इस question का answer option A होगा। Question 14 देखते हैं, consolidated financial statements are presented on the basis that the companies within the group are treated as if they are a single economic entity, correct? Which two of the following are requirements of preparing consolidated financial statement? All subsidiaries must adopt the accounting policies of the parent in their individual financial statement. ये individual financial statements वाली बात गलत है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सब्सिडरीज को वो करना होता है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए उनके लिए ऐसा ऑपरेट करना जरूरी नहीं है। दूसरा है कि सब्सिडरीज विद एक्टिविटीज विच आर सब्सटेंशियली डिफरेंट टू द एक्टिविटीज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शुड नॉट बी कंसोलिडेटेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल रीजन फॉर नॉन कंसोलिडेशन। तो ये दो रीजन तो नहीं हो सकते। All assets and liabilities of subsidiaries should be included at fair value. This is correct. At the date of acquisition, to be precise, or unless profit within the group must be eliminated from the consolidated financial statement. ये भी requirement है. So C and D हमारे answer. Question 15 देखते हैं. High Limited has a number of relationship with other companies. In which of the following relationships High Limited necessarily the parent? फर्स्ट वन है कि फॉल लिमिटेड हैज़ 50,000 नॉन वोटिंग एंड 100,000 वोटिंग इक्विटी शेयर इन इशू विद ईच शेयर रिसीविंग द सेम डिविडेंड। हाई लिमिटेड ओन्स ऑल ऑफ फॉल लिमिटेड नॉन वोटिंग शेयर एंड 40,000 ऑफ इट्स वोटिंग शेयर्स। अच्छा, तो 40% शेयर होल्डिंग बनती है ये तो, जो नॉन वोटिंग शेयर हैं उनसे तो फर्क नहीं पड़ता, वोटिंग शेयर्स का जस्ट 40% है, तो डिसीजन मेकिंग में इनका कंट्रोल पूरा नहीं है, तो नेसेसरली नहीं है। हाँ, बाकी शेयर होल्डर छोटे हों और डिफेक्टो कंट्रोल हो वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ नेसेसरली का। सेकेंड है जी, लो लिमिटेड हैज 1,000,000 इक्विटी शेयर इन इशू विद इन ऑफ विच हाई लिमिटेड ओन्स 40%। हाई लिमिटेड आल्सो ओन्स 800,000 आउट ऑफ रुपीज 1,000,000 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड बाई लो लिमिटेड। डिबेंचर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, 40 इक्विटी शेयर ऑफ ईच 100 ऑफ डिबेंचर, और दे मे बी रिडीम्ड इन कैश एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। तो बेसिकली 40% जो है आप ऑलरेडी ओन करते हैं, और मज़ीद जो आपके पास ऑप्शन है उसमें आपके पास 1,000,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं जो कि 40 इक्विटी शेयर्स हर 100 के अगेंस्ट आपको मिल जाना, तो दैट वुड टेक योर शेयर ओनरशिप बियॉन्ड 50% एंड योर वोटिंग राइट्स एज वेल बियॉन्ड 50%। तो पोटेंशियल जो वोटिंग राइट्स हैं
वो भी कंसीडर किए जाते हैं कंट्रोल के लिए, एंड इट सीम्स लाइक के जो है ना हाई लिमिटेड जो है वो उसका कंट्रोल है और कंसोलिडेशन होनी चाहिए। थर्ड है हाई लिमिटेड ओन्स 49% ऑफ इक्विटी शेयर इन मिडिल लिमिटेड एंड 52% ऑफ इट्स नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट हाई लिमिटेड रिसीव वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम मिडिल लिमिटेड एंड हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दीज रिटर्न थ्रू इट्स पावर ओवर मिडिल लिमिटेड। तो ऑनरशिप की परसेंटेज रेलिवेंट नहीं है अगर आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि उन्होंने बताया है कि जी वो वेरिएबल रिटर्न्स को अफेक्ट भी कर सकते हैं, पावर भी यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल रिटर्न्स का उनका एक्सपोजर भी है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल बीइंग मेट। तो यहाँ पे भी पेरेंट का रिलेशनशिप होगा। तो 2 एंड 3 ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 16 है कि ऑन 1 मार्च 2019 काजी लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ हिजाजी लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹387 मिलियन। एट दैट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ हिजाजी लिमिटेड वर 450 मिलियन। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो एक्विजिशन पर है वो 0.045 मिलियन की है। काजी लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर द बिजनेस कम्बिनेशन यूजिंग द फुल गुडविल और फेयर वैल्यू मैथड बाई एट्रीब्यूटिंग सम गुडविल टू द NCI। इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑन 1 मार्च फेयर वैल्यू ऑफ NCI जो है 153 मिलियन है। टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी रिकग्नाइज होगी? सो बेसिकली एक्विजिशन कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे, बाकी सारा डाटा जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 387 मिलियन की है, NCI एट एक्विजिशन भी गिवन है, और नेट एसेट ऑफ सब्सिडी तो 90 मिलियन की गुडविल रिकग्नाइज होनी चाहिए। क्वेश्चन 17 देखते हैं। साउंड लिमिटेड ऑब्टेन 60% होल्डिंग इन द ₹10 मिलियन 10 शेयर ऑफ क्लाउड लिमिटेड ऑन 1 जनवरी व्हेन द रिटेनिंग 850 मिलियन थी। कंसिडरेशन कंप्राइज 250 मिलियन कैश, 400 मिलियन पेबल ऑन 1 जनवरी 2019 एंड 1 शेयर इन साउंड लिमिटेड फॉर ईच 2 शेयर एक्वायर्ड। साउंड लिमिटेड हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8% और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 23 है। सो बेसिकली इसमें अगर हम देखते हैं तो साउंड लिमिटेड NCI को मैयर करते हैं फेयर वैल्यू पर, और फेयर वैल्यू गिवन है 400 मिलियन, तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो पहली बात तो ये होगी कि इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें। तो इन्वेस्टमेंट में हमने जो कैश में है 250 मिलियन दिए। डेफर्ड कंसिडरेशन की बात करें तो 400 मिलियन जो है वो देना है आपने आफ्टर अ ईयर, तो प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे 1 साल की। फिर शेयर कैपिटल का कॉन्टेक्स्ट देखें तो 1 शेयर हमने देना है फॉर 2 शेयर, तो हमने 10 मिलियन के 60% एक्वायर किए हैं, तो ये 6 मिलियन शेयर्स बनते हैं। और हर 2 के बदले 1 शेयर, यानी हम अपने जो हैं वो 3 मिलियन शेयर दे रहे होंगे 23 के हिसाब से। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। NCI एट एक्विजिशन ऐड होगा इसमें फेयर वैल्यू पे, और उसके बाद जो है हमें नेट एसेट्स जो है लेस करने हैं। तो शेयर कैपिटल हमारे पास 100 मिलियन और रिटेनिंग 850 मिलियन, तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी 139.37 मिलियन पे। दैट वुड बी आंसर। क्वेश्चन 18 देखते हैं। ऑन 1 अगस्त 2017 मैग्नेशियम लिमिटेड परचेज ₹1.8 मिलियन ऑफ द 2.4 मिलियन ₹10 इक्विटी शेयर्स ऑफ कॉपर लिमिटेड। द एक्विजिशन वॉज थ्रू अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर इन मैग्नेशियम फॉर एवरी 3 शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है वो 57.5 है, और मैग्नेशियम लिमिटेड विल ऑल्सो पे इन कैश ऑन 31 जुलाई 2 ईयर आफ्टर एक्विजिशन 24.2 पर एक्वायर्ड शेयर ऑफ कॉपर लिमिटेड। मैग्नेशियम लिमिटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। वट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एट्रीब्यूटेबल टू मैग्नेशियम लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ कॉपर लिमिटेड, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो शेयर हम एक्वायर कर रहे हैं वो 1.8 मिलियन शेयर हैं, हर 2 के बदले 3 शेयर, और हमारे 1 शेयर की वैल्यू, हर 3 के बदले 2 शेयर और हमारे 1 शेयर की वैल्यू 57.5 है। दैट वुड बी 69 मिलियन। डेफर्ड कंसिडरेशन हम 24.2 पर शेयर के हिसाब से दे रहे हैं, और 2 ईयर्स के बाद दे रहे हैं, तो 2 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे 36 मिलियन। टोटल 105 मिलियन वुड बी द आंसर। क्वेश्चन 19 देखते हैं। बिग लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ स्मॉल लिमिटेड 10 मिलियन 10% ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ₹800 मिलियन।
इन्वेस्टमेंट गिवन है रिटेन अर्निंग 570 मिलियन की थी और रिवेल्यूशन सरप्लस 150 मिलियन का था। एनसीआई की फेयर वैल्यू उन्होंने 220 मिलियन इवेल्यूएट की है, तो गुडविल क्या होगी? सिंपल है कि जी 800 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, 220 मिलियन एनसीआई की फेयर वैल्यू है, शेयर कैपिटल 100, रिटेन अर्निंग, रिवेल्यूशन सरप्लस, तो 1020 की टोटल हमारी और एनसीआई के एग्रीगेट में से नेट एसेट्स लेस करते हैं एक्विजिशन पे 20 के, तो 200 मिलियन इज द आंसर, इतने की गुडविल रिकग्नाइज होगी। क्वेश्चन 20 है कि फाइकल लिमिटेड एक्वायर्ड 75% ऑफ 120,000 रुपीज 10 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ साइकल लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2014। एट दैट डेट साइकल लिमिटेड हैड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 700,000 एंड अ शेयर प्रीमियम अकाउंट बैलेंस ऑफ रुपीज 200,000। फाइकल लिमिटेड पेड रुपीज 1.68 मिलियन फॉर द शेयर इन साइकल लिमिटेड। एट 31 दिसंबर साइकल लिमिटेड हैड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 1 मिलियन एंड फाइकल लिमिटेड हैड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 1.6 मिलियन। तो कंसोलिडेटेड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होंगे? बेसिकली वर्किंग फाइव है जिसमें हम ग्रुप के रिजर्व्स को शो करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट के तो सारे रिजर्व लेंगे, सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन का ग्रुप परसेंटेज लेंगे। सो पेरेंट का पूरा प्रॉफिट ले लें, पूरे पोस्ट यानी रिजर्व्स ले लें। उसके बाद जो सब्सिडरी है उसमें हम देखते हैं कि अब बैलेंस है 1 मिलियन, पहले 700,000 था, और हमारा इसका मतलब है जो चेंज है वो 300,000 का, और हमारा उसमें शेयर है 75%। 225,000 ऐड करेंगे 1825,000, ये हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।